अपने चैनल यूट्यूब में मैथ एफटी में आप तमाम लोगों का स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है यूट्यूब पे मैथ एफटी यानी मैथमेटिक्स फास्ट ट्रिक। हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी कहा था यूनिट डिजिट से रिलेटेड कि मैं यूनिट डिजिट का सीरीज चला रहा हूँ। जितना भी क्वेश्चन लेके आप तक पहुँचता हूँ, ये किसी न किसी एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन पूछे हुआ है। कल भी बैंक का एग्जामिनेशन हुआ है, आपको पता होगा 3, 10, 11 को एग्जामिनेशन है जिसमें कल एक हो गया। मैं सेंटर पर गया था, मैं कुछ विद्यार्थी से कॉन्टैक्ट किया और पता हुआ कि ये जो विद्यार्थी हैं इनमें से समझ लीजिए कि 99.99% ये भगवान भरोसे हैं। इनमें से 0.001% लोग कुछ तैयारी करके आए हैं, कुछ क्वेश्चन देख के आए हैं कि एग्जामिनेशन में अपीयर होना है, कम्पीट करना है, क्वालिफाई करना है, पास करना है, नौकरी लेना है। बाकी 99% ये 99 ये परसेंट है क्या निकलता है आप समझ लीजिए, ये भगवान पर छोड़ के आते हैं कि भगवान काम करेगा। याद रखो, भगवान के भरोसे बैठो मत, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो, ये सोच के जीवन जियो। देखो यूनिट डिजिट का ये सवाल कम से कम 10 बार पूछे हुआ है अलग अलग एग्जामिनेशन में, अलग अलग कंपटीशन में। देखो इसको बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन सेटर जो क्वेश्चन सेट करता है ना, वो लॉजिक आपका देखना चाहता है कि लॉजिकली कितना इंटेलिजेंट है। वो नहीं देखता कि आप कितना बड़े डिग्री होल्डर है, लंबी डिग्री है कि छोटी डिग्री है, पीजी है कि सीडी है कि ईजी है कि रीजी है, उससे उसको मतलब नहीं। देखो कितना लंबा चौड़ा नंबर है, ये 1 सेकंड में बनेगा। इन पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इनका यूनिट डिजिट निकालना है। इनका यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट बोलते हैं इकाई अंक को, किसी को कुछ मत करो, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, मन में मल्टीप्लाई करोगे तो 20 होगा, 20 का यूनिट डिजिट 0 होगा। इनको जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं, इस पार्ट तीनों पार्ट को, इनको जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे 0 से, उनका जवाब 0 होगा, इनका आंसर 0 होगा। 1 सेकंड में आंसर शीट में चुन लेना, इसके आगे आपको मूव करने की ज़रूरत नहीं है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 20 हुआ, 20 का यूनिट डिजिट 0 हुआ। 0 को किसी भी नंबर से, किसी भी डिजिट से गुना करोगे वो 0 होगा। दूसरा सवाल देखो, इनका कहता है यूनिट डिजिट निकालने के लिए तीन डिजिट के कम्बिनेशन से बना नंबर है, कुछ नहीं करना है, इनका यूनिट डिजिट पकड़ो। इनके यूनिट डिजिट को 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 800 का कितना होगा, 32, 32 को 7 से करो, इनका यूनिट डिजिट 2 है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो अपने मन में, ये हुआ 14 का यूनिट डिजिट 4 हुआ, इनका जवाब जो होगा वो 4 होगा। 2 सेकंड में बना के एग्जामिनेशन से निकल जाओ, कुछ नहीं करो, पूरे नंबर को मल्टीप्लाई मत करो, उनके यूनिट डिजिट को पकड़ो, इसलिए कि यूनिट डिजिट ही मांग रहा है। 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया 32, 32 का यूनिट डिजिट 2, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, ये 7 है यूनिट डिजिट, 7 × 2 = 14, 14 का 4, ये 4 ही यूनिट डिजिट होगा आंसर। आगे होल्ड करो, देखो वीडियो स्किप करके मत भागना, नहीं तो कुछ नहीं आएगा, जहाँ बैठे हो वहीं रहोगे। ये सवाल देखो, ये सवाल कम से कम 11 से 12 अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, एक दूसरे का ठीक उल्टा है। देखो उल्टा हो सीधा मतलब नहीं है। पहला नियम देखो, फर्स्ट एम निकालते हैं हम, पहला मेथड निकालते हैं। ऐसे देखो पहला मेथड नहीं समझ में आता है तो ऐसे देखो, ये पहला मेथड क्या कहता है, इनका नियम है कि यूनिट डिजिट इसका 2 है, इसका 8 है। अगर 2 और 8 यूनिट डिजिट हो, किसी भी नंबर का 2 या 8 हो, उनका पावर अगर इवन हो, अगर उनका पावर इवन होता है तो ये फार्मूला होता है कि उनके यूनिट डिजिट का पावर 0 होता है और उनको 6 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, उन पर पावर चढ़ेगा, उनको 6 से मल्टीप्लाई करना है। इसके अलावा भी दूसरा तरीका बताते हैं, ये देखो 42 है, इनका पावर 2 चढ़ेगा, इनको 6 से मल्टीप्लाई करना है। साइन है 8 के लिए भी वही है, तो 8 का पावर 0 चढ़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना है। किसी भी नंबर पे, किसी भी वेरिएबल पे अगर एक्स पे पावर अगर 0 होता है तो लॉ ऑफ इंडिसेस से वो 1 होता है, या किसी भी नेचुरल नंबर पे पावर अगर 0 होगा तो वो 1 के बराबर होगा। 2 पे पावर 0 1 × 6, इतना करने की ज़रूरी नहीं है, एक लाइन में करो, 6 को 36 से मल्टीप्लाई करो 36, 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया, फ़र्क नहीं पड़ा, इनका यूनिट डिजिट 6 होगा, ये जूझ छुड़ो और डंका बजा के एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल जाओ। दूसरा भी तरीका बताते हैं, भागना मत, सिर्फ वीडियो देखो मैं कैसे हल करता हूँ। देखो उसी सवाल को दूसरे तरीके से कैसे बनाते हैं, ये नियम है कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 हो या इसमें से कोई भी हो, 2, 3, 7, 8 हो, यहाँ 2 भी है 8 भी है, हमने कहा 2, 3, 7, 8 हो, जो भी यूनिट डिजिट के असर किसी नंबर का यूनिट डिजिट होगा उनके पावर को 4 से भाग देना है। यहाँ देखो 24 है,
इस दो को एज इट इज उतारो, दो अपनी जगह पर उतारा, 24 में 4 से भाग देना, या हमने लिख दिया 24 में 4 से भाग दोगे 6 चौका 24, ये कट गया, इनका रिमाइंडर बचेगा 0। जब किसी भी नंबर में अगर 4 से भाग लेगा रिमाइंडर अगर 0 बनेगा तो उनका जो डिवाइजर होता है वही उनका पावर चढ़ता है, अगर रिमाइंडर बचता तो रिमाइंडर पावर चढ़ता, रिमाइंडर नहीं बचा है तो डिवाइजर पावर चढ़ा है। दूसरे केस में आ जाओ, ये दो का काम खत्म हो गया, इन 4 को भूल जाओ, 8 पे आओ, एज इट इज उतारो 8, 8 पे पावर 84 है, 84 में 4 से भाग दो, 4 दूना 8, 4 1 4, फिर इनका रिमाइंडर बचा 0, फिर वही कहानी, इनका जो डिवाइजर होगा वही इनका पावर चढ़ेगा, यानी 4 पे पावर 8 पे पावर 4 होगा, इसका मतलब 2 गुने 2 गुने 2 मल्टीप्लाई 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, यह देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 1 कितना 16, इनको देखो 8 8 64, आगे गुना करने की जरूरी नहीं है, ये रखो 64 गुने 8 गुने 8, इनका यूनिट डिजिट है 6, ठीक है, इनका यूनिट डिजिट है 4, 6 चौका कितना हुआ 24, ये कितना हुआ 8 8 64, कुछ नहीं करने का, इनका यूनिट डिजिट 4, इनका यूनिट डिजिट 4, पकड़ो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16, इनका यूनिट डिजिट 6, फाइनल इनका जवाब यूनिट डिजिट 6, दोनों केस में 6 आया। ये 2 से 3 सेकंड में सवाल बना, अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पसंद नहीं आता है तो फोकट में देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, ये सवाल देखे कैसा कैसा क्वेश्चन सेट करता है, सेटर लॉजिक देखता है आपके सोच का। 801 801 को 54 से माइनस 48 को 92 से कुछ नहीं करने का, इनके यूनिट डिजिट को पकड़ो, इनके यूनिट डिजिट को पकड़ोगे तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ये माइनस है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 4 से करोगे तो 4, 8 में से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 16, इनका यूनिट डिजिट होगा 6, यानी कि 4 माइनस 6 ये बराबर रहेगा -2, अगर -2 भी आंसर में रहेगा अगर चुन किया गया तो वो जवाब गलत है, यूनिट डिजिट कभी निगेटिव नहीं होता है, ये अपनी खोपड़िया में खूब अच्छे से समझा लो। वैसे केस में अगर यूनिट डिजिट निगेटिव आता है तो जहाँ से घट के निगेटिव आता है उसमें 1 दहाई यानी 10 उनके पॉजिटिव में जोड़ दो, यहाँ पॉजिटिव 4 है तो 10 उसमें जोड़ दो, -6 कर दो, ये कितना हो जाएगा 14, लेकिन इस पूरे 14 को यूनिट डिजिट मानना है इसलिए हमने बोरो लिया है, -6 ये घट के कितना होगा 8, यही इनका जवाब होगा, इनको जब भी लेके आओगे तो इनका जवाब यूनिट डिजिट 8 ही होगा, ये -2 चुन के मत आ जाना, ये जवाब गलत है, माइनस के केस में होशियार रहना, निगेटिव यूनिट डिजिट कभी निगेटिव नहीं आता है। एक क्वेश्चन और देखो, आइए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, नंबर ऑफ द टाइप्स किसी न किसी कमीशन में पूछा हुआ है, 7 बार पूछा है, इनके लिए फिर नियम आए, इनका यूनिट डिजिट 4 है, इनका भी यूनिट डिजिट 4 है, इनके ऊपर पावर 96 है, इन पूरे पर पावर 95 है, इस पूरे पे पावर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 पे पावर है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर में डाल दिया, इनका नियम है, हर सवाल हर नियम से बनता है कि अगर 4 का पावर किसी यूनिट डिजिट का किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 4 हो, उनका पावर अगर इवन है तो वो यूनिट डिजिट 6 होता है, अगर पावर उनका ओड है तो यूनिट डिजिट 4 होता है, यहाँ देखिए 4 का पावर इवन है तो यूनिट डिजिट इनका 6 होगा, 6 ये साइन रहेगा प्लस, 234 को भूल जाइए, इनके 4 को देखिए, जैसे यहाँ 4 को देखें, 4 का पावर 95 है पूरे डिजिट का, लेकिन आपको कैलकुलेशन करना है 4 की पावर 95 पे, ये ओड है, जब 4 का पावर ओड होगा तो उनका जो है यूनिट डिजिट भी 4 होगा, इन दोनों में जोड़ देंगे तो ये 10 होगा, 10 का यूनिट डिजिट 0 होगा, इसका मतलब हुआ कि इन सवाल का जवाब यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 होगा, यही जवाब इनका होगा, 2 सेकंड में बनेगा, वरना अगर नियम कानून नहीं मालूम है तो पूरी ज़िंदगी लगा देंगे, नहीं आपसे बन पाएगा या किसी से नहीं बन पाएगा या हमसे भी नहीं बन पाएगा, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन हमको बताया आपको, इसके बाद भी हमारा यूनिट डिजिट का कम से कम 4-5 वीडियो और लोड होगा, ये 6ठा वीडियो लोड होने जा रहा है। अगर वाकई किसी कमीशन में आप कामयाब होना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, इसको देखें, पहले हमारे वीडियो को देख लें, बाद में समझ में आता है तो चैनल सब्सक्राइब करें, अगर समझ में नहीं आता है तो चैनल सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, जिनको ज़रूरत होगी वो देख लेंगे, लेकिन फिर मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारा काम है आप तक मैथमेटिक्स का यूनिक ट्रिक यानी फास्ट ट्रिक के साथ मैथमेटिक्स आप तक पहुँचाएँगे, आपकी पसंद आप देखना पसंद करें या नहीं करें, लेकिन हम अपने काम को नहीं रोकेंगे, हम आप तक मैथमेटिक्स पहुँचाएँगे। ये यूनिट डिजिट का 5 सवाल बताया, ये किसी न किसी एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ द टाइम्स पूछा हुआ है, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप देख सकते हैं, नहीं क्वेश्चन बैंक है फिर आपकी मर्ज़ी, अगर समझना चाहते हैं तो समझें, नहीं समझना चाहते हैं
तो नहीं समझे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी यूनिट डिजिट से रिलेटेड बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को देखें, वॉच करें और कुछ लिखना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्मेशन लिखें। आपका इन्फॉर्मेशन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। चलिए, लॉट ऑफ थैंक्स, आपने वीडियो वॉच किया इसके लिए नंबर ऑफ द टाइम्स थैंक यू बोलते हैं। और इस वीडियो को देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कम से कम दो तीन क्वेश्चन रहता ही है, अगर कम से कम दो क्वेश्चन तो रहेगा ही, रहता ही है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।